सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मेरी खुशियों से बस एक हाथ की दूरी पे थी जब मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया। मेरे पति का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, सोच समझ के उसका मर्डर किया गया। पहले मैं तुम्हारे लिए बदला ले रही थी, लेकिन अब तुमसे बदला लूंगी। तुम और मैं एक जैसे ही तो है, लड़की हो के लड़की से प्यार करना दुनिया ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने तुमसे दो बातें क्या कर ली, तुम तो मेरी लाइफ कोच बन गई। तुम्हें जहाँ जाके हाथ मार रहे हो मारो, लेकिन मुझसे दूर रहो। पागल हो गए हो तुम? Why do you still have this obsession? 3 साल से ऊपर हो गया। Obsession नहीं है ये। 30 सालिया मुखर्जी ने रणबीर राजन का खून करा ये मैं जानता हूँ, और साबित नहीं कर पाया हूँ। और ये खुलेआम घूम रही है। Please give up on all this and move on with your life। हार नहीं बर्दाश्त कर सकता अरू। Hello friends, welcome to Filmy Funday, Joinfilms.com। मैं हूँ आपका अपना वीरेंद्र राठौर। एक वीडियो में बहुत दिनों से बनाने की कोशिश कर रहा था कि आपको राइटिंग के करियर पे एक इनडेप्थ नॉलेज कैसे मिल सके। तो मेरे लिए सबसे अच्छा एग्जांपल था श्रीविनय जी, जो कि जॉइंट फिल्म से तो शुरू से ही जुड़े हुए हैं, और इनके बहुत कमाल आपने जॉइंट फिल्म्स पे देखे भी हैं। जितना भी कंटेंट क्रिएशन होता है उसमें काफ़ी हाथ रहता है। ये आजकल वेब सीरीज़ कर रहे हैं, फिल्म लिख रहे हैं, शॉर्ट फिल्म लिख चुके हैं। मैं डिटेल में एक एक चीज़ पूछूंगा और उससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। हेलो श्री, वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। थैंक यू सर, थैंक यू। पर ये बड़ा अजीब लग रहा है मैं आपको बोलूं वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स, क्योंकि जॉइंट फिल्म्स आप ही का है और आप लोगों का भी है, आप सब लोगों का है। जॉइंट फिल्म्स कम्युनिटी है, एक मिशन है। श्री, अभी आपकी जो वेब सीरीज बड़ी हिट हुई विक्रम भट्ट की, उसके बारे में मुझे बताओ जरा। जिंदाबाद। ये है अर्जुन वशिष्ठ। 15 साल पहले रॉ का सबसे होनहार एजेंट हुआ करता था। आमिर शेख को कलकोट से जेल जाते वक्त किडनैप कर लिया गया है। कसूर तुझ जैसे कमीनों का है आमिर, सरहद के इस साइड और उस साइड माए रो रही और वो हमें ललकार रहा है। जिंदाबाद अलग किस्म का प्रोजेक्ट था विक्रम भट्ट जी के लिए भी। मोस्टली उनका इमेज रहा है कि वो एक स्टीमी काइंड ऑफ कंसेप्ट्स पे बनाते हैं, बट उनका फेवरेट प्रोजेक्ट ये था कि जिंदाबाद जैसा कुछ बनाए। एंड उन्होंने पहले कुछ वेब सीरीज में मेरा काम देख चुके थे, तो उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे डायलॉग लिखने का मौका भी दिया जिंदाबाद में। एंड बिकॉज ऑफ दैट वॉज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। एंड काफ़ी सर के साथ काम करने का मौका मिला, सर के थॉट प्रोसेस समझने का मौका मिला। एज अ राइटर मेरे लिए काफ़ी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उससे पहले आपने ट्विस्ट के लिए भी लिखा था, ट्विस्टेड 2, माया 2 और जख्मी, ये 3 वेब सीरीज उससे पहले किए थे। तो आपको ऐसा लगा कि वेब सीरीज में जो राइटिंग है वो कुछ अलग तरह का है ट्रीटमेंट? काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट वेब सीरीज में जो जैसे विक्रम भट्ट जी के साथ जब हम लोग सेशंस करते थे तो एक ब्रीफ रहता था कि आप अगर टीवी के सामने बैठते हो तो आप टाइम पास करने के लिए बैठते हो, तो आपको कुछ भी चलता है आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। आप थिएटर पे बैठते हो तो आपको एक कंस्टेंट रहता है कि आपने टिकट खरीद लिया है। लेकिन वेब सीरीज में क्या है कि एक ऑप्शन है ऑडियंस के पास कि वो 2 मिनट में अगर आपने हुक नहीं किया तो निकल देगा। तो ऑडियंस को पकड़ के रखने का जो जिम्मेदारी है वो ज्यादा हो जाता है, और उसके लिए राइटिंग उतना फास्ट पेस होना चाहिए, उतना एंगेजिंग होना पड़ता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है उसका। मतलब कंटेंट वाइज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए वेब के लिए अगर है तो। हाँ, नहीं तो अदरवाइज होल्ड नहीं होगा, होल्ड ही नहीं होगा। ओके, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि विक्रम भट्ट क्योंकि इतने एस्टेब्लिश राइटर डायरेक्टर रहे हैं, तो जो खुद भी राइटर होता है जब डायरेक्टर, तो कितना इनपुट पॉजिटिव मिलता है और कितना उसके साथ मतलब एक जो कॉम्बो बोलता है ना, कॉम्बो पैक बनता है, एक मैच करना, वो वेवलेंथ, वो माइंड सेट चैलेंज होता है। ये पर्सनली इनिबिशन रहा है एक्चुअली, ये नॉर्मली हम लोग एज अ राइटर मैं मेरे फ्रेंड्स लोग डर जाते हैं कि सामने वाला अगर कोई बोलता है कि मैं भी राइटर हूँ तो हम लोग सोचते हैं कि यार कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। लेकिन विक्रम जी के साथ थोड़ा एक्सपीरियंस अलग रहा है। हमेशा वो सिर्फ यही देखते हैं कि स्टोरी एक फ्लो में जाती है नहीं, और कभी किसी राइटर को उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि ना मुझे ये पसंद नहीं है। वो सिर्फ एक लॉजिक देते हैं और फिर बोलते हैं कि अगर आप कन्विंस हो तो करो। ओके, तो इससे क्या हो जाता है कि राइटर खुद ही समझ जाता है कि वो काम मिस किया और फिर वो फ्लो में जाता है।
अभी तक तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसा रहा है कि इट हैज बीन ओनली कि कुछ सीखने को मिला, अब ऐसे कोई चेंजेस करने को जरूरत ही नहीं पड़ी कि जो एज अ राइटर कन्विंस नहीं. ओके ओके, तो इसमें श्री कितनी अच्छी बात निकल के आ रही है सामने, वो ये कि एज ए प्रोफेशनल राइटर आप एक राइटिंग कर रहे हैं लेकिन आप सेम टाइम पे लर्निंग भी कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल, और जिस लेवल पे सीखने को मिलता है, कभी कभी हम लोग को लगता है कि यार हमने 5 साल डाल दिए इंडस्ट्री में, हमने इतना कुछ सीख लिया, शायद कुछ नया सीखने को नहीं है. लेकिन एक सीन को मैं एक जिक्र करूंगा, माया 2 में एक सीन था कि जहाँ लड़की पहली बार किसी अपने फादर को बोल रही है कि मैं लेस्बियन हूँ. ओके, हम 4-5 राइटर्स थे, हम लोग सब अच्छे अच्छे थे, कुछ लोग बड़े बड़े टीवी सीरियल लिख चुके थे, हम लोग का एक्सपीरियंस था कि ऐसा बनेगा सीन, ऐसा चलेगा. फिर विक्रम जी ने बोला कि इसमें जान ये नहीं है कि एक फादर का बेटी की तरफ जो इमोशन है वो निकल के नहीं आ रहा है. तो उन्होंने एक सीन बताया कि फादर एक छोटा सा शू बॉक्स लेके आता है जिसके वजह से वो बेटी खुल के बोल पाती है कि मेरा बाप मेरे से इतना प्यार करता है कि मैं हिम्मत कर सकती हूँ. और वो सीन सुनने के बाद हम लोग एक दूसरे को देखने लगे कि यार हम लोग ने क्या किया. ऐसे कुछ चीजें जो सीखने को मिलती है, एक ही सीन को देखने के जो अलग नजरिया, राइट राइट, जो एक्सपीरियंस और इससे आ सकता है आई गेस. ओके श्री, अब हम चलते हैं उस बात पे जहाँ से मतलब हम लोग की मुलाकात हुई. मतलब मैं आपको बता दूँ, मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है, प्राउड फीलिंग भी होती है कि जब से जॉइंट फिल्म शुरू हुआ तब से श्री उन लोगों में से हैं जो कि जॉइंट फिल्म के साथ जुड़े थे इस मिशन के साथ. और उसके बाद एक बार उन्होंने एक स्टोरी सुनाई मुझे, और वो फिल्म है स्ट्रिप, जो कि अभी 28 लाख मेरे ख्याल से व्यू हो गए हैं उसके. तो एज ए राइटर देखिए, इनके लिए वो फिल्म कितनी इंपॉर्टेंट थी और उस फिल्म से क्या क्या बेनिफिट हो सकता था, क्यों शॉर्ट फिल्म एक राइटर के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकती है, ये आप बताओ. स्क्रिप्ट के बारे में स्पेसिफिकली कुछ बताना चाहूँगा. मैंने कुछ 2005 में शुरू किया था राइटिंग फिल्म लाइन में आने का, 2007 में ब्रेक मिला. और उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी साल जब आप इंडिपेंडेंटली अपने तरीके से सोचते हो, कुछ कहीं पे कामयाबी मिलती है बट ज़्यादातर टाइम आप खाली बैठे रहते हो. फिर किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे वीरेन जी से मुलाकात हुआ, तो मैंने सर के साथ अपने करियर के जो एम्बिशंस है वो शेयर किए. और उस दौरान सर ने एक छोटा सा फैसला किया कि हम लोग साथ में आगे बढ़ेंगे जो भी होगा. अब तब से लेके जो आज तक है, जहाँ पे पहुँचा हूँ, मुझे लगता है कि वीरेन जी कहीं सामने दिखाई देंगे या नहीं देंगे, पीछे उनका हाथ हमेशा रहा है. और ये गाइडेंस ही है जो मुझे हेल्प किया है क्लाइंट्स लोग से डील करने में, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होना और किस टाइप के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होना. ये छोटी छोटी चीज़ें जो विजडम बोलूँगा मैं, जिसके वजह से आई थिंक कुछ सही डिसीजंस अपने करियर में ले चुका हूँ और ये यहाँ पहुँचा हूँ आज. स्क्रिप्ट के बारे में भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी लोगों से बात किया स्क्रिप्ट के बारे में और सबको लगा कि यार इस पर कोई फिल्म बन ही नहीं सकती, ये तो क्या है कि रोज होता है, इसमें क्या है? मैं वीरेन जी के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा था भोपाल में और बातों बातों में मैंने ये फिल्म का जिक्र किया. नेक्स्ट डे मैं देखता हूँ कि सर सुबह मेरे को बोलते हैं चलो आज आप क्या फिल्म बनाते हैं, और हमने एक दिन के डिस्कशन में वो फिल्म शूट कर दिया. स्ट्रिप्ट से पहले किसी ने इतना फेथ मुझे दिया नहीं है और उसके लिए मैं हमेशा ग्रैटिट्यूड रहूंगा और फील करूंगा सर के लिए. नहीं पर जो वो फिल्म एकदम से वायरल हुई, मतलब नेशनल इंटरनेशनल अप्रोक्सीमेटली 55 वेबसाइट ने, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ने उसको पब्लिश किया, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि एक होता है प्रोडक्ट बनना, प्रोजेक्ट बनना, फिर ऑडियंस के सामने जाना और फिर इतना अप्रिसिएशन मिलना, वो काफ़ी अच्छा रहा है सर. और सबसे बड़ी बात है, शायद मैंने पहले जिक्र नहीं किया होगा, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है यूएसए में, वहाँ पे एक स्टूडेंट रही है क्लेरिसा बोल के, उसको वो फिल्म कहीं ना कहीं किसी ने फॉरवर्ड किया और उसने
वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन पे उसने एक थीसिस लिख रही थी वो. ओके. तो उसने मेरे को बकायदा ईमेल भेजा कि मैं आपकी फिल्म उस थीसिस में इन्वॉल्व कर रही हूँ. ओह ग्रेट. क्योंकि इस तरीके से इस इमोशन को और इस इंसिडेंट को किसी ने दिखाया नहीं है. तो इट वॉज लाइक वेरी गुड एक्नॉलेजमेंट कि आपसे पहले जितने भी लोगों ने बोला कि ये फिल्म में कोई मतलब ही नहीं है और आपने पता नहीं क्या देख के हाँ बोला था, एक एक्नॉलेजमेंट मिल गया कि उसमें नहीं. क्या होता है देखो श्री, ये बाकी राइटर्स के लिए भी समझ में मेन होता है कि जब आप किसी को नरेट कर रहे हो, जब आप सुना रहे हो किसी को, तो जो श्री का कन्विक्शन था ना उस सब्जेक्ट को लेकर, उसी ने इम्प्रेस किया. देखिए कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि ऐसा ऐसा होगा, तो उस टाइम विजुअल उतने क्लियर नहीं आते सुनने वाले को कि यार ये ऐसा बन जाएगा, राइट. वो रहता है राइटर या डायरेक्टर के माइंड में. तो डायरेक्ट भी क्योंकि श्री ने ही किया था उसको, तो इनके माइंड में क्लियर था. इन्होंने जब मुझे सुनाया तो वो कन्विक्शन था. तो बीइंग ए राइटर मैं आप लोग से भी यही कहूँगा कि आपका पहला कन्विक्शन होना जरूरी है, राइट, तभी चीज़ें सही से आती है. इस बारे में कुछ कहोगे आप कि कैसे नरेशन और कन्विक्शन होना चाहिए राइटर का? ये नरेशन का पार्ट पे ज़्यादा फोर्स देना चाहूँगा कि बहुत सारे अच्छे राइटर्स से इंटरेक्शन किया हूँ और मैंने देखा है कि बहुत सारे अच्छे राइटर्स कभी आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो नरेशन पे फोकस नहीं दे पाते. हाँ. और बहुत कम लोग हैं इंडस्ट्री में जो ये चीज़ को नज़रअंदाज करके किसी राइटर के टैलेंट को अप्रिशिएट करेंगे. आपको अगर प्रूव करना है एज ए राइटर भी, तो आपको पहले नरेशन पे फोकस करना पड़ेगा और वो इम्प्रूव करना पड़ेगा. अगर आप नरेशन अच्छा दे सकते हो तो आप राइटर अच्छे हो, ये इंडस्ट्री मान लेती है. राइट राइट. तो ये इस चीज पे बहुत सही है और ये इसी से आपका करियर ग्राफ बनेगा कि किस लेवल तक जाएगा ये. राइट. अच्छा, अब एक राइटर के लिए जैसे आपने शॉर्ट फिल्म बनाई, और क्या वो एज ए प्रोफाइल आप उसको यूज कर पाए अपने आगे करियर के लिए? बहुत ज्यादा. इनफैक्ट काफी आई थिंक जो एक्सपीरियंस रहा है स्क्रिप्ट के वजह से, जहाँ स्क्रिप्ट में की वजह से मैं स्क्रिप्ट से पहले जब राइटिंग करता था, स्क्रिप्ट के बाद मैंने डायरेक्शन का शुरू किया. आई थिंक इट इज़ एक स्क्रिप्ट के मूवी के बेस पे मैं शंघाई जा चुका हूँ चाइना में. मैं एक एड एजेंसी के साथ काम कर चुका हूँ और मैं बैंगलोर में एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर रहा हूँ. एक ही वीडियो जो बना है मेरा, जो मैंने लोगों को दिखाया, और उस बेस पे ही मुझे आगे काम मिलते गए. काम मिलते गए. तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नए राइटर्स के लिए. बिल्कुल, क्योंकि हम लोग अगर सोचे कि अगर वो फिल्म में नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि शायद बाकी जो चीज़ें आई हैं जो मैं हर नए क्लाइंट को दिखाता हूँ वो कभी मटेरियलाइज नहीं होता, क्योंकि सब लोग उस लेवल पे भरोसा नहीं रख सकते. वहाँ काम दिख जाता है डायरेक्ट. एग्जैक्टली, है ना. तो ये बात बहुत अच्छी है कि देखिए आप अगर चाहते हैं तो इस पर मैंने हालांकि वीडियो भी एक बनाया कि शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट है हमारा जो ओपन कॉन्टेस्ट है, उसमें आप सभी राइटर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप कंटेंट भेज सकते हैं. उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ. या आप चाहते हैं कि आप खुद प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई हेल्प चाहिए तो जॉइन फिल्म्स आपकी हेल्प जरूर करेगा ताकि आपका प्रोफाइल बन पाए और आप आगे बढ़ पाए. अब आते हैं श्री इस पर कि आप राइटर बन गए, अभी आप सक्सेसफुल भी हो और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए आगे चल के, और मैं तब भी इंटरव्यू करूँगा एक बार और, ठीक है. लेकिन आप प्रोफेशनली पहले राइटर नहीं थे, राइट? जी बिल्कुल. आप उन्हीं नॉर्मल लोगों की तरह किसी और जॉब में थे. बिल्कुल जी. वो मुझे थोड़ा सा जर्नी का पार्ट बताओ. मैं 2005 तक वेब प्रोग्रामर रहा हूँ. फिर एक दिन मैंने अचानक फैसला किया कि प्रोग्रामिंग से को बंद कर देता हूँ और नया प्रोग्राम चालू करता हूँ. हाँ, इस लाइन में शुरू करता हूँ. 2005 में कोशिश की, दो साल कुछ नहीं हुआ. फिर 2007 में पहली प्रोजेक्ट मिली जो अनुराग कश्यप जी ने फिल्म बनाई थी बाल हनुमान पे, उसका जब एनिमेशन परसेप्ट पिक्चर जब उन्होंने एज अ शो बनाने की कोशिश की तो उसमें से मैं एक राइटर था. और उसके बाद तो इट हैज़ नेवर बीन कि रुकने की जरूरत. डर नहीं लगा जब सोचा कि मैं अब जॉब नहीं करता हूँ और राइटिंग में आता, क्योंकि एक्टिंग का तो फिर भी एक जोश होता है, राइटिंग का तो और कुछ नजर नहीं आता. एक्चुअली इस बारे में आई थिंक सर आप है ना जो बोलते हैं कि, और मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ, कि आप दो नाव पे तो सवार होके कहीं पे भी नहीं पहुंच रहे हो. जैसे आप अक्सर बोलते हो या तो जान लगा दो या तो आप 100% उस चीज पे फोकस करो तो ही कुछ अचीव होगा. आप सोचोगे कि चलो तुक्का मार के देख लेते हैं, लग गया तो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, नहीं तो इस तरफ. इससे ज्यादा नहीं हो पाता. अगर आपको वो एक रिस्क तो लेना पड़ेगा और वो सही टाइम पे लोगे तो अच्छा है. मुझे लगता है एज अ
इंडिविजुअल मैंने बहुत लेट अपना करियर शुरू किया, बट काफी लोग जब कॉलेज वॉलेज से निकलते हैं, मुझे लगता है जब वो लोग कहीं और सेटल हो जाए 9 to 5 जॉब से, उससे अच्छा अगर उनमें वो ख्वाहिश है तो वो सही टाइम है उनके लिए, क्योंकि वो 2-4 साल अगर उन लोगों ने दे दिया तो करियर स्पैन उतना ही लंबा होगा, बड़ा लंबा हो जाएगा। राइट राइट। लेकिन क्या जब सोचा कि जॉब अब मैं क्विट करता हूँ, शिफ्ट करता हूँ, तो फिर राइटिंग आपने प्रोफेशनल जो फॉर्मेट होता है एक फिल्म का, वो सीखा या नहीं सीखा? एक्चुअली विक्रम भट्ट जी के साथ जब पहली बार बैठ रहा था तो उन्होंने 5-6 लोग थे तो सबसे पूछ रहे थे आप कहाँ से हो, तो उन्होंने बोला विजलिंग होल्ड ये, तो उन्होंने मेरे से आके पूछा कि आप कहाँ से सीखे हो, मैंने बोला गूगल एकेडमी, क्योंकि जितना कुछ सीखा हूँ वो गूगल से मिला था, तभी ऑनलाइन जो ऑप्शंस थे, आज जो ऑप्शंस है वो उससे तब तो वो तभी नहीं, तभी कोई जॉइन फिल्म्स जैसा कोई मीडियम ही नहीं था तभी कि आप ऑनलाइन राइटिंग सिखा सकते हो, आज तब तो हम लोग जितना नेट पे मिल जाए उसी पे पढ़ लेते थे। मुझे लगता है कि एक राइटर अगर है अपने मन से स्ट्रगल करने का, जो एक स्पैन है जो 5-6 साल देना ही पड़ता है किसी भी, तो उस वो चैलेंज कोई दे सकता है, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर बड़े ब्रांड के पास सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ एक कांस्टेंट गाइडेंस की ज़रूरत है, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत तब पड़ता है जब वो एक शुरू कर चुका है और उसके बाद का जो गैप है वहाँ पे जब गाइडेंस नहीं मिलता। यूनिवर्सिटीज़ और एकेडमीज में मैंने ज़्यादातर देखा है कि आप वो कोर्स ख़त्म करने के बाद आप उनको जानते भी नहीं हो, वो भी आपको पहचानते नहीं है, तो और यहाँ यहीं पे जो मैं समझता हूँ कि मैटर करता है कि कोई एक मेंटोर जो होता है जो आपको कांस्टेंट गाइडेंस दे सके। मेरा जो करियर में जो गलतियाँ हुई है वो बेसिकली मैं समझता हूँ कि जॉइन फिल्म से शुरू होने के पहले हुआ, उसके बाद तो मैं जब बार बार आपके पास आता था कि पूछता था सर ये ऐसा चल रहा है, ये क्लाइंट ऐसा है, ये प्रोजेक्ट ऐसा है, तो उसमें जो आप इनपुट्स देते थे वो गाइडेंस ही वर्क कर जाता था। वो क्या होता है उस टाइम पे अनबायस्ड एक ओपिनियन मिल जाता है और एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख के हम बताते हैं, तो क्यों प्लस एक्सपीरियंस का मैटर कर जाता है। तो श्री अब ये वेब सीरीज हो गई, अब इसके आगे कहाँ? अब दो प्रोजेक्ट है, एक क्लाइंट है जो कह रहा है कि वो अभय देओल जी से बात कर चुका है, उनके लिए एक प्रोजेक्ट लिख रहा हूँ। ओके। और विक्रम जी ने एक और एक प्रोजेक्ट दिया है, फीचर फिल्म है वो, तो फीचर फिल्म चल रहा है अभी फिलहाल लिखने के, तो इस बीच में एक फिल्म बन के तैयार है राकोश बोल के, तो उसका भी प्रोसेस चल रहा है। अब एक बात बोलता हूँ जो बाकी नॉर्मल लोगों को नहीं मालूम है, हालांकि इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, वो है कि एक राइटर के करियर के उसमें घोस्ट राइटिंग कितना इम्पोर्टेंट है। ये इस बारे में ज़रूर बोलूँगा कि कोई भी करियर फिल्म इंडस्ट्री में खास करके एक बीज की तरह है, आप एक बीज जो ज़मीन के अंदर से जो रास्ता बनाता है वो किसी को नज़र नहीं आता, बट उसमें जितनी चैलेंजेस होती है, जो रुकावटें होती हैं, वो सिर्फ वो बीज जानता है, वो ज़मीन के तय के ऊपर जब आ जाता है और एक फूल बन जाता है तब तो बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे, बहुत सारे लोग आ भी जाएंगे, टैलेंट एजेंट भी आ जाएंगे, लेकिन उस वक्त जो सपोर्ट चाहिए रहता है और उस वक्त जो मोटिवेशन चाहिए रहता है वो अलग ही है, और वो अगर वो किसी राइटर ने वो कर लिया तो उसके बाद का जर्नी ईजी है। राइट। तो वो चैलेंजेस तो रहेंगे। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी की तरह लें कि आप राइटिंग में हैं, आपको सर्वाइवल भी चाहिए, और अगर घोस्ट राइटिंग आप कर रहे हैं, घोस्ट राइटिंग मतलब जिसमें कि आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, तो आप अगर करें तो कुछ ना कुछ सर्वाइवल भी हो जाता है और आपको ये पता चलता है कि मेरा ये जो मैंने लिखा ये कमर्शियली जा सकता है, ये एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक वैल्यू आ जाती है उसमें। और मेन तो चीज़ है कि आपका 2-3 साल का अगर आप सोचो भी कोई भी एक बड़े प्रोजेक्ट आने तक तो आप एनोनिमस ही रहते हो, तब तक के लिए जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। और कभी कभी क्या हो जाता है, आप भले गोस्ट राइटिंग बोल देते हो लेकिन कल को कोई बड़े कंपनी में जब आप अप्लाई करते हो, किसी क्लाइंट से बात करते हो और उनको चाहिए सैंपल, तो ये गोस्ट राइटिंग आपका सैंपल बन जाता सैंपल है। तो आपको मॉनेटरी गेन भी है प्लस आपके पोर्टफोलियो में आ जाता है, आ ही जाता है। आपने की गोस्ट राइटिंग?
मैं कर रेगुलर करता रहता हूँ जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कर लेता हूँ। ओके ओके ठीक है श्री, बहुत अच्छा लगा मिलके, आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे, और कुछ अगर इन लोगों को आप बताना चाहते हो स्पेशली तो प्लीज़ बताओ। एक ही चीज़ बोलूँगा मैं कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी एक फिल्म लिख रहा हूँ जिसमें एडॉप्शन लॉस के ऊपर है कि एक फादर इंडिया में बेटी को अडॉप्ट करना है जो कि पॉसिबल नहीं है, एक मेल सिंगल मेल अडॉप्ट नहीं कर सकते। अब ये चैलेंजेस के अराउंड अगर एक स्टोरी लिखना है तो मुझे ये लॉ पढ़ना ज़रूरी पड़ता है, और अगर मैं कोई एक साईफाई लिख रहा हूँ जिसमें मेडिकल का नॉलेज होना ज़रूरी है, और ये राइटर तभी ही उस बारे में कुछ सोच सकता है, उसके अराउंड कोई प्लॉट लिख सकता है जब तक वो उस बारे में कुछ जानता हो कि ये चैलेंजेस है, ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से नहीं हो सकता। अदरवाइज क्या हो जाता है कि भले राइटर कितना भी अच्छा स्टोरी टेलर हो, लेकिन अगर वो ये बेसिक्स टेक्निकलिटीज नहीं जाने तो उसकी स्टोरी फ्लॉप हो जाती है और वो नरेशन फेल हो जाती है। तो इतना नॉलेज रखना, पर ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पढ़ो या सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के बारे में पढ़ो, आप जो भी आपके आसपास जितना भी पढ़ने को मटेरियल मिल सकता है आपको पढ़ते रहो, क्योंकि वो कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप कहीं ना कहीं उसको एज अ राइटर स्टोरी में यूज कर सकते हो। और इससे एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि जो आप ज़्यादा पढ़ोगे, देखो जो आप बनाने वाले हो, चाहे आप शॉर्ट फिल्म बनाओ, वेब के लिए काम करो या फिल्म बनाओ, वो लाखों लाख लोग देखने वाले हैं। तो आपको अगर आपकी लिमिटेशन है, आप सोचे ठीक है मैं ऐसा लिख देता हूँ कल्पना से, अपने क्रिएटिव माइंड से लिख देता हूँ, लेकिन उसकी टेक्निकलिटी या लीगलिटी आपने नहीं देखी तो कोई और तो देख लेगा और वो समझ जाएगा कि आपने प्रॉपर रिसर्च नहीं किया और यूं ही लिख दिया। तो आपका व्यूअर ओपन है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा सीखना पड़ेगा। थैंक यू श्री, थैंक यू, थैंक यू फॉर हैविंग मी। दोस्तों इसी तरह के वीडियोज और भी लाता रहूंगा, आज के इस वीडियो से, श्रीविनय के वीडियो से आपने क्या सीखा वो बताइएगा, आपको श्रीविनय की स्क्रिप्ट फिल्म कैसी लगी वो भी शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।